सांगा ने रंगाई छपाई का काम विश्व स्तर पर पहचान बनाए हुए हैं। 250 साल के अपने इतिहास को समेटे अब यह उद्योग मायूसी के साए में है। दरअसल इस उद्योग से जुड़े लोग इसलिए मायूस और निराश हैं क्योंकि उनके बाद 30-40 साल का सफर तय कर चुके अलग अलग शहरों के प्रिंटिंग रंगाई छपाई उद्योग अपनी पहचान विश्व स्तर पर स्थापित कर चुके, लेकिन 250 साल पुराने इतिहास वाले इस रंगाई छपाई व्यापार इस बात से आहत हैं कि ना तो उन्हें सरकारी संरक्षण मिला और न ही सरकार की ओर से उन्हें सुविधाएं दी गई जिससे वे अपनी पहचान कायम कर सके, बल्कि आज ये बाजार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कभी प्रदूषण के नाम पर तो कभी टैक्स और कभी अपने बाजार के लिए नियोजित संरचना के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या है इनके संघर्ष की कहानी और किस तरह इस बाजार को दिलाई जा सकती है विश्व स्तरीय पहचान, इन्हीं के मुंह से सुनिए। मैं प्रवीण शाह सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में डायरेक्टर हूं और यहां पे जो सांगानेर की में लगभग 900 यूनिट्स हैं जो छपाई का कार्य कर रही हैं, उन्हीं सबको हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताइए आपका क्या समस्या है? हमारे सांगानेर में तकरीबन 900 छपाई की फैक्ट्रियां हैं जो कि छपाई का कार्य कर रही है। अगर हम समस्या की बात करें तो मूल समस्या ये है कि ये टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल का जो काम है ये करीबन सांगानेर में 250 साल पुराना है, लेकिन 250 साल पुराना होने के बावजूद भी इसको जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। उसकी मुख्य वजह है सरकारों की उदासीनता। सरकारों की उदासीनता का विषय ये है कि आज से 250 साल पहले सांगानेर में छपाई का कार्य चालू हुआ, उससे आज के अगर अपन पीछे जाके देखें तो 50 साल पहले अहमदाबाद में काम चालू हुआ, 30 साल पहले देखे, 40 साल पहले देखे तो सूरत में काम चालू हुआ, लेकिन वो सरकारें इतनी उस कार्य के प्रति सशक्त, उनकी इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने उस व्यापार को विश्व स्तरीय व्यापार पे वो उस व्यापार को लेके गए हैं। अब अगर आप सोचिए कि जब हम 250 साल पुराने हम नहीं चल पाए और वो 30 साल 40 साल वाले आज हमसे कई गुना आगे हुए, तो इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह सरकारों की उदासीनता। कभी भी किसी भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, उन्होंने इस क्षेत्र पे ध्यान ही नहीं दिया। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व, हमारे पूरे हिंदुस्तान में अगर कृषि के बाद में कोई भी सेक्टर अगर व्यापारों को सृजित कर रहा है तो वो टेक्सटाइल सेक्टर है। तो अगर टेक्सटाइल सेक्टर की इतनी अपॉर्चुनिटीज राजस्थान में है तो मैं सभी गवर्नमेंट से या से कहना चाहता हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके यहाँ की जनता को प्रोवाइड कराएं और इस काम को उस लेवल पे ले जाएं कि हम भी सूरत और अहमदाबाद ही नहीं बल्कि हम चाइना के लेवल का काम यहाँ कर सके। तो ये तो हमारी मुख्य समस्या। अब अगर अपन इसकी समाधान की बात करें कि अगर ये तो समस्या है, समाधान कैसे हुआ, सरकार को क्या करना चाहिए, तो मैं मेरा जो एक व्यू है वो आपको बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अभी हाल ही में 2015 में श्रीमती वसुंधरा राजे जी की सरकार थी और माननीय हमारे रामचरण जी और हमारे सांसद साहब हैं, उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि इस इंडस्ट्री को कुछ ऊंचाइयों पे ले जाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने हमारे को एक यहाँ की जो छपाई की मुख्य समस्या थी पॉल्यूशन की, उस पॉल्यूशन की समस्या के समाधान के लिए 160 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट हमारे सांगानेर की कांग्रेस नेता जनसेव कुशवंत भारद्वाज जी के आग्रह पर और हमारी डिमांड पर दो बार इस बात को अपने संज्ञान में लाकर के दो लेटर जारी किया जो आप देख सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है अभी संबंधित अधिकारियों ने न हमसे संपर्क किया न जगह चिन्हित की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा जिस तरह मुख्यमंत्री जी विजन 2030 की बात कर रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि वो उद्योग जो सांगानेर में 5 से 7 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है उनके प्रतिनिधियों से भी एक बार सांगानेर में आके मिले और सांगानेर में व्यवस्थित टेक्सटाइल पार्क के निर्माण के लिए जगह चिन्हित कर दें ताकि अगले कार्यकाल में हमारा सपना साकार हो सके। आपका मैं घनश्याम पुलवाल महासचिव सांगानेर प्रिंटिंग एसोसिएशन।
क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि सांगानेर के अंदर आज हमारा टेक्सटाइल का कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित टेक्सटाइल पार्क नहीं है। एक ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ हम 1000-2000 व्यापारी एक साथ एक कंपाउंड में बैठ करके पूरे देश विदेश से आने वाले ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अभी सांगानेर में जहाँ आप देखोगे आवासीय कॉलोनियों में ही सारा कारोबार संचालित हो रहा है, पूरे देश दुनिया के ग्राहक यहाँ आते हैं, लेकिन उनको असुविधा होती है क्योंकि हमारा संकीर्ण बाज़ार नहीं है। हमने इस संबंध में सांगानेर आने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से आग्रह किया था कि सांगानेर में एक विशाल टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाए। उसके बाद में एक बार फिर हम मुख्यमंत्री जी के निवास पर गए, उन्हें अपना निवेदन किया, तो आप देख सकते हैं 2 बार मुख्यमंत्री जी कार्यालय से मेरे नाम से लेटर जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और हमारे सांगानेर के जो कांग्रेस के जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज जी दोनों ने प्रयास किया कि सांगानेर में एक्स्ट्रा